क्रिकेट का बॉस कौन? भारत। जो आज तक नहीं हुआ था वो बुधवार को हुआ। आईसीसी ने बुधवार को टेस्ट रैंकिंग की घोषणा की, जिसमें भारत नंबर वन बना और इसी के साथ एक इतिहास लिखा गया। इतिहास ये कि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत तीनों फॉर्मेट में एक साथ दुनिया में नंबर वन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बुधवार को आईसीसी ने रैंकिंग की घोषणा की और जो रैंकिंग आई है अगर उसे आप देखें तो भारत टेस्ट में नंबर वन है, T20 इंटरनेशनल में नंबर वन है और वनडे इंटरनेशनल में भी नंबर वन है। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के दौरे पर आई थी उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन टीम थी और भारत दूसरे स्थान पर थी। लेकिन भारत ने जो न्यूजीलैंड के साथ किया था वही काम ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। जब भारत खेलने आई थी वनडे इंटरनेशनल तो उस वक्त वो वनडे की नंबर वन टीम थी, लेकिन भारत ने न्यूजीलैंड को पराजित कर उससे नंबर वन का ताज जो है वो छीन लिया था और अपने सर पर लगा लिया था। ठीक वही काम ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। पहले टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह पराजित किया। इस जीत से जहां भारत को अंक मिले वहीं ऑस्ट्रेलिया के अंक कटे और अब भारत टेस्ट मैचों में भी नंबर वन की टीम है। T20 में वो पहले से ही नंबर वन है। अगर मैं टेस्ट मैचों की बात करूं तो भारत के अब 115 रेटिंग पॉइंट हो गए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के 111 से ज्यादा हैं। इंग्लैंड तीसरे नंबर पर है। वनडे इंटरनेशनल में अगर हम बात करें तो भारत नंबर वन पर है और उसके 114 अंक हैं, जबकि वहां भी ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है, उसके 112 अंक हैं और तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है 111 अंकों के साथ। अगर हम T20 इंटरनेशनल में आए तो यहां पर भी भारत नंबर वन टीम है और उसके अंक जो हैं वो हैं 267 रेटिंग पॉइंट। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की टीम है 266 रेटिंग पॉइंट के साथ और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। तो जो तीनों फॉर्मेट की टीम रैंकिंग है उसमें भारत जो है वो बादशाह बन गया है। ताज उसने हासिल कर लिया। तीनों ही फॉर्मेट में नंबर वन की कुर्सी पर अब भारत बैठा हुआ है। बस अब भारत के सामने चुनौती ये है कि वो इस पोजीशन को बनाकर रखे, और अगर टेस्ट मैचों में वो नंबर वन रह जाता है तो आप मान के चलिए कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंच जाएगा। एक और दिलचस्प बात, जब ये रैंकिंग की घोषणा हुई है तो खिलाड़ियों के रैंकिंग की भी घोषणा होती है तो वो भी हुई है, तो उसमें भी एक दिलचस्प बात है। और दिलचस्प ये है कि तीनों ही फॉर्मेट में किसी न किसी डिपार्टमेंट में भारत का खिलाड़ी नंबर वन है। अगर हम T20 इंटरनेशनल की बात करें तो सूर्य कुमार यादव बैटिंग में नंबर वन है पूरी दुनिया में। अगर हम वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो मोहम्मद सिराज गेंदबाजी में नंबर वन है, और अगर हम टेस्ट मैचों की बात करें तो ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा दुनिया में सबसे ऊपर नंबर वन पर हैं। तो ये एक दिलचस्प बात है। इसके अलावा अगर हम रैंकिंग की बात करें तो टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का भी दबदबा है। टेस्ट मैचों में अगर हम बात करें तो लाबू सेन नंबर वन बैटर हैं, नंबर टू पर जो है स्टीव स्मिथ हैं, इसके अलावा तीन पर बाबर आजम हैं, और अगर हम बात करें तो सातवें पर ऋषभ पंत और आठवें पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा को भी नागपुर में शतक लगाने का इनाम मिला है और उनकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो यहां भी नंबर वन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस हैं, तो दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन आ गए हैं, और इसके अलावा पांचवें नंबर पर बुमराह हैं, हालांकि वो इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि रविंद्र जडेजा नंबर वन पर हैं और दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन हैं। और एक और दिलचस्प बात, टॉप 10 में तीन भारतीय हैं ऑलराउंडर्स की लिस्ट में, टेस्ट ऑलराउंडर्स की लिस्ट में।
तो पहले पर रविंद्र जडेजा, दूसरे पर रविचंद्रन अश्विन और सातवें पर जो है वो अक्षर पटेल का नाम आता है। तो जो आईसीसी ने रैंकिंग जारी की है उसमें भारतीय टीम का जलवा है, उनके खिलाड़ी जो हैं वो रैंकिंग में अच्छी अच्छी पोजीशन पर हैं। तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए शुभ संकेत है कि आईसीसी रैंकिंग्स में भारतीय परचम लहरा रहा है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।